गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो एंड आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं अपने एक बहुत ज्यादा बचपन के फेवरेट कैरेक्टर को जो कि है मिस्टर बीन। एंड यहां पे मैंने वैसे एनिमेटेड सीरीज देखी है पर आई लव मिस्टर बीन, बहुत ज्यादा मजा आता है उनके कार्टून्स को देखने में एंड बचपन में मैंने बहुत ज्यादा देखा है। एंड अगर आप एक मिस्टर बीन फैन है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए नाइस एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एंड यहाँ पे जो मैं पेंसिल यूज करूंगा वो है ये वाली जो आपकी होती है नॉर्मल पेंसिल्स, पर इसमें मैं एक चैनल लूंगा कि मैं स्टेडलर कम यूज करूंगा, मतलब जितना ना के बराबर स्टेडलर में यूज कर पाऊँ उतनी करूंगा। एंड मैंने सोचा है कि मैं इन तीन मैकेनिकल पेंसिल को यूज़ करूँगा क्योंकि जैसे स्टेडलर उन ऐसे आर्टवर्क्स में यूज़ होती है एंड ये है कुछ ऐसा आर्टवर्क, तो मैंने वैसे फ़ोटो यही वाली चूज़ करी है तो इसमें मैं ये वाली तीन पेंसिल्स यूज़ करूँगा ताकि मैं लाइट शेडिंग और क्योंकि इसमें ज़्यादा डार्क तो शेडिंग है नहीं तो लाइट शेडिंग एंड मतलब थोड़ी सी लकीरें ड्रॉ करनी है तो फिर उनके लिए ये तीनों मैकेनिकल वैसे बेस्ट रहती हैं, ये लाइट लेयर के लिए, सेकेंड थर्ड खत्म स्केच। देखते हैं कितने टाइम में बना पाएंगे हम इसको एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस बालों को थोड़ा इग्नोर मारना, पर अभी तक ना मैंने वीडियो स्टार्ट ही नहीं करी थी एक्चुअली। यहाँ पे ये देखिए जरा, मैं जरा अच्छे से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इतनी कुछ मैंने ड्रॉ कर ली है एंड अभी तक मैंने स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक वीडियो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब आप देख सकते हैं आर्टिस्ट के साथ कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है ना। यहाँ पे अभी तक मैंने स्टार्ट ही नहीं करी और मैं बनाए जा रहा हूँ इसको मन लगा के बिल्कुल। वो तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ रखनी थी, मतलब ये मैंने ऐसे ही रखना था साइड में, मैंने देख लिया भाई रिकॉर्डिंग चल रही है ना ढंग से, तो भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया देख के। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ रिकॉर्डिंग। मज़ा आया जराब, ये तो बिल्ली के बच्चे ना वहाँ पे है, वहाँ पे ये देख रहे हैं ना वहाँ पे कोना, तो वहाँ पे ये दोनों बिल्ली के बच्चे हैं एंड मैं ज़्यादा पास नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे अभी इस टाइम पे बिल्ली नहीं है, नहीं तो हमेशा वहाँ पे बिल्ली रहती है तो वो क्या बोलते हैं वो हो जाते हैं मतलब भड़क जाते हैं वो बिल्ली हमारे ऊपर, पर ये पता नहीं कहाँ से आई है एंड वहाँ पे बैठी रहती है पूरे दिन, पर अब आ चुके हैं देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं दिया। एंड अभी अभी मुझ पर मतलब मुझे एक आइडिया आया कि हम 10K पे क्या करेंगे, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम 10K पे क्या करें, एक YouTube रिवाइंड बनाएं या कुछ अलग, या जैसे कि व्लॉग, आप बताइए मुझे कमेंट्स में करके कि हम व्लॉग बनाएं या YouTube रिवाइंड अपने 10K स्पेशल पे, तो आप जरूर से जरूर कमेंट करके बताना अपनी चॉइस, या आपको कोई और आइडिया आ रहा है तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं।
स्केच तो कंप्लीट कर लिया है एंड यहाँ पे अभी कुछ ऐसा लग रहा है, मतलब मज़ा आ गया इसको बना के एंड बहुत ही अच्छा स्केच बना है, जबकि मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी इतना ज़्यादा कुछ बढ़िया स्केच बन पाएगा हमारा। एंड इसमें मैंने पर्सनली लाइट शेडिंग करी है एंड लाइट शेडिंग करने पे भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। मैंने आज तक देखा नहीं है कि इतना लाइट शेडिंग करने पे कुछ इतना अच्छा इफेक्ट आ रहा होगा। एंड इस फोटो का लिंक चैट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि मुझे आजकल मिलता नहीं है ना काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ का लिंक, क्योंकि मैं मतलब जैसे किसी की वीडियोस से लेता हूँ या ड्रॉजी शाह सर की लेता हूँ वीडियोस। चीटिंग 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 करता है तू। एंड इस टाइम स्कूटी पर पता नहीं कौन जा रहा है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 10:15। एंड यहाँ पे जो मैंने इनकी ये बनाई है ना, मैं पता क्या कर रहा था, ये इनमें ना ये बनाना भूल गया था डॉट्स बाद में एंड फिक्स एडिट भी कर दिया था, अब मेरे पास कोई चांस नहीं बचा था। मैंने क्या किया, जेल रोल पेन से बना दिए। एंड पता है जेल रोल पेन ना, पर्सनली मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी टिप बताता हूँ कि अगर आपको जेल रोल पेन यूज़ करना है ना किसी भी चीज़ के ऊपर एंड अगर आपको वो डिटेलिंग ऐसी है कुछ ऐसी, तो आप पहले फिक्स एडिट कर दो, उसके ऊपर से डिटेलिंग करोगे ना जेल रोल पेन से मक्खन चलेगा जेल रोल पेन मस्त। पर ऐसा करना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ये जेल रोल पेन हाथ लगाने से फैल सकता है, मतलब वो हो सकता है ख़राब बाद में, तो इसलिए जेल रोल पेन के ऊपर एक बार दोबारा से फिक्स एडिट कर लें तो बेस्ट रहेगा। एंड कैसे लगा आपको वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल में हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।